नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरसर में। जैसा कि हम लोग आरओ की तैयारी कर रहे थे, ठीक है, 2016 की वैकेंसी है 361 प्लस पोस्टों पे, उसी की तैयारी में आज हम लोग हिंदी में तत्सम एवं तद्भव की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विविध परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चंस वहीं से को रिलेट करेंगे। अगर बात करते हैं तत्सम की, तो तत्सम का मतलब होता है तत् प्लस सम, उसके समान। ठीक है, हिंदी में बहुत सारे संस्कृत के शब्द आ गए हैं जो आज भी संस्कृत के मूल शब्द ही हैं, लेकिन वो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं और हिंदी की भांति उन्हें पढ़ा जाता है, वही शब्द तत्सम कहलाते हैं। जैसे धन, नारी, जलज, सर्वदा, सीमा, राष्ट्र, रवि, सौंदर्य, क्रूर, गौरव। जबकि तत्सम शब्द आप लोग जानते होंगे तत् धन भव, यानी उससे होना। ठीक है, संस्कृत से चलकर पाली प्रकृति अपभ्रंश में होते हुए वो अब हिंदी में पहुँचे हैं, इसे तद्भव हम लोग कहते हैं। आइए देखते हैं एमसीक्यूज टाइप में क्वेश्चंस हैं, कितने क्वेश्चंस आप सही कर पाते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। 100 प्लस क्वेश्चंस हैं, कितने क्वेश्चंस आपके सही जाते हैं तत्सम और तद्भव में, क्योंकि यहां से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे आरओ में और 10 प्रश्न 10 नंबर के होंगे, इसी पे आपको मेरिट बनाना है। आइए स्टार्ट करते हैं। अधोलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा तत्सम नहीं है यही पहचानना है। तो हाथ जो लिखा है ये तत्सम शब्द नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द की जोड़ी नहीं है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, तत्सम और तद्भव सही नहीं लिखा है, दधि और भात बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ज्ञान क्षेत्र होता है, कर्म विद्या होता है, मत्स्य भ्रंग होता है, एकदम सही लिखा है, लेकिन दधि और भात नहीं होता है। ये UPPCS प्री 2015 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। करपट का तद्भव रूप बताना है, तो करपट का तद्भव रूप कपड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, तद्भव नहीं है ये पहचानना है, तस्कर जो लिखा है ये तद्भव शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, गधा, गधा का तत्सम रूप है, तो गधा का तत्सम गदर्भ होता है, गदर्भ कई बार प्रैक्टिस कर चुके हैं हम लोग, तत्सम और तद्भव की लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि हिंदी में हमें 60 में 55 लाना है। ठीक है, 55/60 में अचीव करना ही करना है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, प्रिय का तद्भव रूप क्या होगा, तो प्रिय का जो तद्भव रूप होता है वो पिया होता है, पिया पिया। ठीक है, पिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तत्सम शब्द नहीं है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, नेह जो लिखा है एकदम सही लिखा है, ये तत्सम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, तद्भव बताना है, पंख जो लिखा है एकदम सही लिखा है और ये तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, पक्ष का तद्भव रूप होगा, तो पक्ष का तद्भव रूप होता है पंख। ठीक है, पक्ष का तद्भव रूप होगा पंख, ये रेवेन्यू इंस्पेक्टर 2014 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, तत्सम नहीं है ये पहचानना है, हल्दी जो लिखा है एकदम सही लिखा है, ये तत्सम नहीं है, हरिद्रा होता है तत्सम रूप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, तत्सम पहचानना है आपको, तो विस्मय जो लिखा हुआ है एकदम सही लिखा हुआ है, तत्सम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, तद्भव शब्द का चयन करना है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा है जो तद्भव है, निडर, बीज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं, सॉरी तद्भव नहीं है, तद्भव नहीं है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, दुआरी, गिरिस्ती, सायंग, पयो, तो इसमें जो साय लिखा है यही तद्भव नहीं है। ठीक है, यह तत्सम रूप है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, एकल शब्द का तद्भव शब्द है, एकल का तद्भव अकेला हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, करपट का तद्भव रूप है, पुनः रिपीट हुआ और आरओ प्री 2014 में ये पूछा जा चुका है, कपड़ा का तद्भव रूप है। ठीक है, कैवर्त का तद्भव रूप क्या होगा, तो कैवर्त का होता है केवट, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, गृध शब्द का तद्भव रूप है, तो गृध का गीध हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, मक्खी का शब्द तत्सम रूप होगा, तो मक्खी का तत्सम क्या होता है, मछिका होता है, मछिका मछिका। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, हल्दी शब्द का तत्सम रूप है, तो हल्दी का हरिद्रा होता है, हरिद्रा, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, उल्लास शब्द का तत्सम रूप है, तो उल्लास का जो होता है उल्लास हो जाता है, उल्लास, और उल्लास कई बार ये वर्तनी की दृष्टि से पूछा जा चुका है, उल्लास होता है। ठीक है, उल्लास, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, नारियल शब्द का तत्सम रूप है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, नारियल का सही तत्सम बताना है, नारिकेल होता है, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, सिंह शब्द का तत्सम रूप है, तो श्रृंग होता है, श्रृंग, और श्रृंग कई बार वर्तनी की दृष्टि से पूछा जा चुका क्वेश्चन है, श्रृंग, सी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। चूर्ण का तत्सम शब्द है, चूर्ण का तत्सम शब्द क्या होता है? तो चूर्ण का चूर्ण होता है, बी इज द राइट आंसर। ये आरओ आरओ 2013 में क्वेश्चन प्री में पूछा जा चुका है। ठीक है, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, तत्सम पहचानना है जो नहीं है। रात जो लिखा है एकदम सही लिखा है, तत्सम नहीं है। ठीक है, तद्भव रूप होता है रात, रात्रि होता है तत्सम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। तिक्त शब्द का तद्भव रूप है, तो तिक्त का तद्भव क्या होता है? तिक्त का तीता हो जाता है, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। ससुर, ससुर का तत्सम स्वासुर होता है, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए, चार ऑप्शन दिए गए हैं, तद्भव बताना है चार में कौन सा है जो तद्भव है। तो आधा जो लिखा है एकदम सही लिखा हुआ है, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। तत्सम शब्द है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, तत्सम बताना है क्लिष्ट होता है, क्लिष्ट क ल शठ। ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है और वर्तनी से भी 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है। ढीठ शब्द का तत्सम रूप होगा, तो ढीठ का तत्सम क्या होता है? धृष्ट होता है, धृष्ट, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। तत्सम शब्द का चयन कीजिए, चार ऑप्शन दिए गए हैं, व्याघ्र जो है एकदम सही लिखा है, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। माँ शब्द का तत्सम है, माँ शब्द का तत्सम क्या होता है? तो मात्र होता है, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। तद्भव शब्द बताना है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, मनई जो है एकदम सही लिखा है, ये तद्भव रूप है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, गरम नरम नरक तीर्थ, इसमें से आपको तत्सम बताना है, तीर्थ जो है एकदम सही लिखा हुआ है, तत्सम रूप है। ये सब आरओ आरओ 2010 के क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हैं, ध्यान रखना है, रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। अंगीठी का तत्सम रूप क्या होता है? तो अग्रष्टिका होता है, अग्रष्टिका, अग्रष्टिका, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, तद्भव पहचानना है आपको। तो यहाँ जो सूरज लिखा है एकदम सही लिखा है, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। कौन सा तत्सम नहीं है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, आँख, नेत्र, नयन, दृग, इसमें से तत्सम आपको पहचानना है जो नहीं है। तो आँख जो है एकदम सही लिखा हुआ है, इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है, सॉरी तत्सम शब्द है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, कान, मुख, जीभ, दांत, मुख जो है वो तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव है भावरा, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। श्रृंगार शब्द का तत्सम है, श्रृंगार का तत्सम क्या होता है? तो श्रृंगार होता है, श्रृंगार, ठीक है, सी इज द राइट आंसर, श्रृंगार, श्रृंगार, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, हल्दी का तत्सम रूप होता है, तो हरिद्रा होता है, हरिद्रा, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। गेहूं शब्द का तत्सम रूप होता है, तो गेहूं का तत्सम क्या होता है? गोधूम, ए इज द राइट आंसर। खंडहर का तत्सम शब्द बताना है आपको, तो खंडग्रह होता है, खंडग्रह, कई बार ये क्वेश्चन वर्तनी की दृष्टि से भी पूछा जा चुका है, खंडग्रह, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्द युग में से कौन सा युग त्रुटिपूर्ण है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, त्रुटिपूर्ण शब्द आपको छांटना है। तो कपाट, कपड़ा लिखा हुआ है, ये करपट होता है कपड़ा का, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। देवर शब्द का तत्सम रूप बताना है, तो दीवर होता है, दीवर, दीवर, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है, चार ऑप्शन पहचानना है, अग्निघट, घोट, मोती। तो यहाँ जो मोती शब्द लिखा है ये तत्सम शब्द नहीं है, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। पलंग शब्द का तत्सम रूप है, पलंग का तत्सम क्या होता है? तो पर्यंक होता है, पर्यंक, पर्यंक, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 बात करते हैं। इनमें से एक शब्द तद्भव है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, तद्भव पहचानना है आपको। तो यहाँ जो कपास लिखा है, कपास, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, अखरोट शब्द का तत्सम रूप होता है, तो अखरोट का अछोट होता है, अछोट, अछोट, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। अकार्य शब्द का तद्भव रूप है, तो अकार्य का तद्भव क्या होता है? तो अकार्य का तद्भव जो होता है अकाज होता है, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। टकसाल का तत्सम रूप क्या होता है? तो टकसाल का टंकशाला होता है, टंकशाला, ए इज द राइट आंसर, टकसाल जहाँ मुद्राएँ छपती हैं। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। इनमें से तत्सम शब्द नहीं है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, तत्सम पहचानना है जो नहीं है, पद लिखा हुआ है, डी इज द राइट आंसर, ये तत्सम शब्द नहीं है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 51, इनमें से तत्सम शब्द है, चार ऑप्शन, भैंस, सच, बारह और पद, इसमें से तत्सम शब्द है, चार ऑप्शन दिखाना है, उसमें से राइट आंसर आपको पहचानना है, 2010 का आरओ आरओ का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पद जो है ये तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। गोबर, गोबर का तत्सम रूप आपको पहचानना है, तो गोबर का गोमय होता है, गोमय, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं। ढीठ का तत्सम रूप होता है, तो ढीठ का तत्सम क्या होता है? धृष्ट होता है, धृष्ट, 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 बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, मृतिका, कपाट, कपूर और विकार। तो यहाँ जो कपूर शब्द लिखा है, इसका कर्पूर होता है तत्सम, ठीक है, कर्पूर,
तो कपूर लिखा है, ये तत्सम शब्द नहीं है, तद्भव है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें तद्भव आपको पहचानना है। कोयल लिखा है, तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 56, अट्टालिका का तद्भव रूप क्या होता है? तो अट्टालिका का अटारी होता है। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, तीन जो लिखा है एकदम सही लिखा है, ये तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 58, करपर का तद्भव रूप होता है? तो करपर कपड़ा का तद्भव रूप, सॉरी कर पर कपूर का होता है, कपूर ए इज द राइट आंसर। करपट होता है कपड़ा का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं। दृष्टि का तत्सम रूप है, तो दृष्टि का तत्सम रूप क्या होता है? तो दृष्टि हो जाता है, दृष्टि डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, शुश्रूषा, अपजस, शुश्रय, अच्छा। तो शुश्रूषा जो लिखा है एकदम सही लिखा हुआ है, ए इज द राइट आंसर। ये आरओ मेंस की परीक्षा में 2013 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। श्रृंगार शब्द का तत्सम बताना है, तो श्रृंगार होता है, श्रृंगार सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, तद्भव आपको पहचानना है। यहाँ जो भंवरा लिखा है एकदम सही लिखा है, भंवरा ये तद्भव रूप है। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। मुद्री का तत्सम रूप आपको पहचानना है, मुद्री का मुद्रिका होता है, मुद्रिका डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। देवर का तत्सम रूप बताना है, देवर का दिवर होता है, द्रिवर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं। मक्खन का तत्सम रूप क्या होता है? तो मक्खन का मच्छण हो जाता है, मृक्षण डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द पहचानना है, करोण, पीपल, तेल, दिन, कौन सा है जो तत्सम शब्द है? दिन जो लिखा है एकदम सही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द तत्सम है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, तुरंत, आज, खरपर और धीरज। तो जो खरपर लिखा है एकदम सही लिखा है, तत्सम रूप ही है। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं। तत्सम तद्भव शब्दों के युग में से कौन सा युग त्रुटिपूर्ण है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, राइट ऑप्शन आपको बताना है, दही ठीक है, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको गलत बताना है, उष्ट का ऊंट, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं। निम्नलिखित तत्सम तद्भव युग्मों में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर आपको बताना है, तो पर्यंक पटरी, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं। पर्ण का तद्भव शब्द है, पर्ण का तद्भव बताना है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर पत्र, पर्ण का तद्भव होता है पत्र, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, अंगीठी का तत्सम बताना है, अंगिष्ठिका होती है, अंगिष्ठिका ठीक है, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से कौन सा तद्भव है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर आपको बताना है, सूरज ठीक है, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, इनमें से तद्भव है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, बंदर जो लिखा है एकदम सही लिखा हुआ है। खाड़ का तत्सम बताना है, खाड़ का खटवा होता है, खटवा ए इज द राइट आंसर। पनही शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? तो पनही का तांबूल होता है, तांबूल ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, पोखर का तत्सम रूप है, तो पोखर का पुष्कर होता है, पुष्कर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78, दाहिना का तत्सम रूप क्या होता है? तो दक्षिणा होता है, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79, सुई का तत्सम रूप बताना है, तो सुई का सूची होता है, सूची सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, हस्त का तद्भव बताना है, तो हस्त का हाथ होता है, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81, तत्सम तद्भव बने सही शब्द युग्म को खोजिए, चार ऑप्शन दिए गए हैं, घट घड़ा एकदम सही लिखा हुआ है, घट घड़ा ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, तद्भव बताना है, चाम एकदम सही शब्द लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द पहचानना है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, बिहंग, पक्षी, खग, पंछी, तो पंछी जो एकदम सही लिखा हुआ है, तद्भव रूप ही है। क्वेश्चन नंबर 84, ससुर का तत्सम रूप बताना है, श्वसुर होता है, श्वसुर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85, पलंग का तत्सम रूप बताना है, पलंग का तत्सम रूप क्या होता है? तो प्रियंक होता है, डी इज द राइट आंसर। ओष का किस श्रेणी का शब्द है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज, तो ये तद्भव शब्द है, ओष्ठ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87, इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, चार ऑप्शन दिए गए हैं, तत्सम आपको पहचानना है, तो जो दिन लिखा हुआ है ये तत्सम शब्द ही है। ईख का तद्भव क्या होता है? तो इच्छु हो जाता है, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं। इनमें से तद्भव है, अटारी का तत्सम बताना है, अट्टालिका होता है, अट्टालिका डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम तद्भव का चयन कीजिए, चार ऑप्शन दिए गए हैं, बंदर जो है एकदम सही लिखा हुआ है, तद्भव शब्द ही है। क्वेश्चन नंबर 91, तद्भव का से तत्सम बनाने में सही युग्म का चयन कीजिए, चार ऑप्शन दिए गए हैं, सही युग्म पत्ता, पत्र लिखा है ठीक है, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92, कपड़ा का शब्द किस श्रेणी का शब्द है? तो कपड़ा जो है तद्भव शब्द ही है, बी इज द राइट आंसर। करपट होता है इसका तत्सम रूप। ओबटन शब्द का तत्सम क्या होता है? तो ओबटन का ऊर्ध्वपतन होता है, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही सुमेलित नहीं है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, सही सुमेल बताना है, कपना, करपट, कपास, यही शब्द एकदम सही लिखा है, करपट
करपट कपड़ा का होता है, कपास नहीं। ठीक है, बी इज द राइट आंसर, यहाँ सही सुमेलित नहीं है बताना था। क्वेश्चन नंबर 95, कंधा शब्द का तत्सम रूप होता है तो कंधा का स्कंद हो जाता है, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, मेघ जो है तत्सम रूप ही है। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, भ्रात जाया सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, तत्सम बताना है, क्षत्रिय जो है एकदम सही लिखा हुआ है, तत्सम रूप ही है क्षत्रिय, पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। 99, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, तत्सम नहीं है पहचानना है, सफ़ेद जो लिखा है ये तत्सम शब्द नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 की बात करते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, कुकुर जो लिखा है ये तत्सम शब्द ही है, कुकुर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है, श्रृंगार सी इज द राइट आंसर। ये यूपी पीजीटी हिंदी में पूछा गया क्वेश्चन है 2013 का। क्वेश्चन नंबर 102 की बात करते हैं, घोटक शब्द का तत्सम रूप क्या होता है तो घोड़ा सी इज द राइट आंसर। चौकी का तत्सम बताना है तो चतुष्पादिका होता है, चतुष्पादिका सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तद्भव है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, खजूर जो है वो तद्भव शब्द ही है। क्वेश्चन नंबर 105 की बात करते हैं, धरती का तद्भव रूप क्या होता है, धरती का धरती होता है, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 106, समश्रु शब्द का तद्भव रूप होगा तो समश्रु का मूछ होता है, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 107 की बात करते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, कलश्य तो यहाँ जो कलश लिखा है ये तद्भव तत्सम रूप ही है, कलश। मोर का तत्सम क्या होगा, चार ऑप्शन दिए गए हैं, मयूर होता है, बी इज द राइट आंसर। 109, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द पहचानना है, नारियल तुरंत उपरोक्त आलस्य, यहाँ जो आलस्य लिखा है तत्सम रूप है, आलस्य डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 110 की बात करते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव पहचानना है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, अगम अवगुण आश्रय स्नेह, इसमें से आपको तद्भव बताना है तो यहाँ अगम लिखा है, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ जलद जो है जलद ये तत्सम रूप है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम नहीं है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, आकाश पवन मेघ सियार, यहाँ तत्सम कौन सा नहीं है तो आकाश जो है वो तत्सम शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 113 की बात करते हैं, कपूर शब्द का तत्सम या कपूर किस श्रेणी का शब्द है, तत्सम देशज विदेशज या तद्भव, यहाँ तद्भव शब्द है कपूर। क्वेश्चन नंबर 114 की बात करते हैं, तिलक किस प्रकार का शब्द है, ये भी तत्सम शब्द है तिलक, जबकि कपूर तद्भव शब्द है। ठीक है, कर्पूर तत्सम होता है। क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से तत्सम बताना है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ अहीर जो लिखा है ये तत्सम रूप है। क्वेश्चन नंबर 116, संस्कृत के ऐसे शब्द जो हमें ज्यों के त्यों प्रयोग में लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तत्सम हमने पहले ही इसकी परिभाषा बता दी थी, ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम में 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 117, लवण का तत्सम बताना है, लवण का तत्सम नून होता है, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, लास्ट क्वेश्चन है, अज्ञान का तद्भव रूप क्या होगा, तो अज्ञान का तद्भव रूप अनजान होता है, ए इज द राइट आंसर। 118 प्लस प्रश्नों की आप लोगों ने प्रैक्टिस की, कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे और आप चैनल का भरपूर लाभ ले सकें। आज से आपको इकोनॉमी की डेली एक वीडियो प्रोवाइड हो रही है, कल ही एक वीडियो आपको प्रोवाइड हुई थी, आज दूसरी वीडियो आपको मिलेगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।